नमस्कार, आज मुझे पणस कठारे पकोड़ी तैयारी करके देखेबी। पणस कठारे आम मैंने कसा तरकारी डालमा बेसर पिठो भजा एमती बहुत किसी करमती कि पकोड़ी भोजन करमी कैसे से देखेबी। पणस को तो कमी कटा जाए आपने सब जानते से पूरा मुझे देखनी ये देखो मुझे पणस को छोट छोट काटिके गोटे हुईसेल देला पर्यंत या सीझे नहीं तापर पानी रु छाणी पखापाखि दुई कप हम पणस कठा को मु गोटे जगार नहीं जाइए। मुझे बेसन व्यवहार करूनी, बेसन बदल में मुझे गोटे कप बुट डाली चना डाली को बतुरे नहीं सहित अदा जीरा और शुखिला लंका को आपण मैंने चाहिए ये कि रसुण को देखी या खदड़ा करके बाटिदेवे। तापर जो पणस कठा नहीं से डाली को बाटिकी सहित किसी भृसंग पत्र को दे यही भाव मिसेदेजी। मुझे लुण देवा भूली जाइए तेणु एवं लुण हलदी एवं किसी कला जीरा को देदे आप सब जिनस को एकाठी दे कि एका थे ये भाव में मिसई ने यापर आम पकुड़ी छाड़ापी कि तेल को गरम करवा तेल गरम है गोल की रखि मिश्रण को यही भाव में टिके टिके कर छाणी नवा। चूलीर आंच मीडियम रु हाई फ्लेम रखिकी पकुड़ी गुड़ को छाणी नवा गोटे पाख हो गलापर ताको ओल्टे कि आर पाख भल भाव पर्यंत तल उपर कर नवा। यही भाव में पकोड़ी गुड़िक पूरा सुनहरी रंग हेला पर्यंत भल भाव छाणी नवा। ये देखु पकोड़ी भी आमर हो गला बर्तमान आम या काढ़ सैड करके रखिद मुझे जिनस व्यवहार करें पिज पकईपरि कि पिज न पकड़े यहाँ खावा को बे स्वादिया लगी। देखु बर्तमान आमर पणस पकोड़ी तैयारी हो गला।